हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को अपने पीसी या लैपटॉप पर मिरर कर सकते हैं, यानी उसकी स्क्रीन को दिखा सकते हैं, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें आपको तकरीबन सभी वीडियोज़ में ये बताया जाता है कि आपको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपने फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करा सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको ना तो अपने मोबाइल में किसी तरह कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ना अपने पीसी में किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आप सिर्फ इसकी मैनुअल सेटिंग्स वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन को डिस्प्ले करा सकते हैं, मिरर कर सकते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पीसी की सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्रेंड्स, प्रोजेक्टिंग टू माय पीसी, या अगर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब पहली बार इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑफ मिलेगा, आपको इसको अवेलेबल एवरीवेयर कर देना है। इसके बाद में आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में जाना है। चलिए, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल में जाते हैं। इसके बाद हम जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और ये मोर पे आपको क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो उससे अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पे हो सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको वायरलेस डिस्प्ले को यहाँ से एनेबल करना है। जैसे आप एनेबल करेंगे, ये वाईफाई ऑन करने के लिए बोलेगा, तो इसको परमिशन दे दें। आपका वाईफाई ऑन हो चुका है। अब थोड़ी देर में आपके डेस्कटॉप को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, सर्च करके ये डिस्प्ले कर दिया। अब आपको इस पर क्लिक करना है और ये कनेक्टिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। जैसे कनेक्ट होगा आपके डेस्कटॉप, इस तरह से एक मैसेज आएगा, आपको इसको यस करना है। यस करते ये देखिए स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए आपका फोन मिरर हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, ये आप मेरे फोन की स्क्रीन देख पा रहे हैं इस टाइम पे, ये पूरी तरह से मिरर हो चुका है आपके डेस्कटॉप पे। ना आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, ना किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, मैनुअली हमने इसको यहाँ पे मिरर किया अपने पीसी और अपने लैपटॉप के साथ। तो दोस्तों, इस मेथड से आप भी अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी या लैपटॉप से मिरर कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले को दिखा सकते हैं अपने वीडियोज़ में, और आपको किसी तरह की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो और मेथड पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए।